शोभा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी समर स्पेशल बेल का शरबत, जो कि पीने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और ये गर्मियों में फायदेमंद भी है। अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो ये पेट को बहुत ही ठंडा रखता है। तो इसे हमने किस तरह से बनाया है, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। बेल का शरबत बनाने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए दो पके हुए बेल लिए हैं। बेल की यही पहचान है कि अगर आप पानी में डालिएगा, बाल्टी के पानी में या फिर कोई भी बर्तन, बड़े बर्तन में डालिएगा, तो अगर पके हुए बेल होंगे तो वे ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बेल को हमने इस तरह से बेलन की सहायता से तोड़ लिया है, क्योंकि ये ऊपर वाले जो पार्ट होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, तो आप इस तरह से तोड़ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने बेलन से अच्छे से इसे तोड़ लिया है। उसके बाद इसको हम अंदर से इस तरह से निकाल लेंगे। तो एक स्पून की हेल्प से इसके जो बीच वाले गुदे हैं उसे हम निकाल लेंगे। दोनों बेल को हमने तोड़ लिया है और आप हाथों से नहीं, इसे भी स्पून से ही निकालिएगा, क्योंकि हाथों में खरोच आने का डर होता है, बहुत ही हार्ड होते हैं ये छिलके ऊपर वाले। तो स्पून की हेल्प से हमने सारे गुदे को निकाल लिया है एक बर्तन में और देख सकते हैं कि एकदम पीले और पके हुए बेल। उसके बाद इसमें हम ठंडा पानी डालेंगे। तो फ्रिज का ठंडा पानी थोड़े थोड़े डालिए और हाथों से इस तरह से आप मैस लीजिए। हाथों को हमने अच्छे से साफ कर लिया था और इस तरह से थोड़े थोड़े पानी दे करके और इसको हम अच्छे से घोल लेंगे। इसके जो बीज होते हैं वे थोड़े कड़वे होते हैं, तो इसलिए आप बीज को निकाल और इसके जो रेशे हैं वो भी आसानी से निकल जाएंगे। तो इस तरह से एक से दो गिलास इसमें पानी डालिएगा तो अपने आप ही आपको पता चलेगा कि गाढ़ा है या पतला है, तो उसी हिसाब से आप इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। तो देखिए हमने सारे बेल को जो है घोर लिया है, उसके बाद हम इसे छान लेंगे। तो उसके लिए हमने एक बाउल पर छलनी रख दिया है और जितने हमने जो घोल तैयार किया है बेल का उसे हम छान लेंगे और हाथों से इस तरह से दबाते हुए छान लेंगे ताकि जो रेशे है वो आसानी से निकल। और ये जो बचे हुए रेशे हैं इसको हम फिर से पानी में डालेंगे और आधा गिलास फिर से इसमें हम पानी डालेंगे, उसके बाद इसे हम घोल लेंगे। तो देखिए जितने अगर रेशे हैं वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि देखिए हमारे जो शरबत है वो बिल्कुल तैयार। और हम रेशे को भी अच्छे से साफ कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने रेशे में भी थोड़ा सा पानी डाल दिया था और उसे भी हम छान, तो बाकी के जो बचे हुए रेशे थे उसे भी हमने छान लिया है। और अगर आपको लगे कि शरबत थोड़ा गाढ़ा है तो आप इसमें और पानी ऐड कर सकते हैं, और ठंडा ही पानी ऐड कीजिएगा क्योंकि ये शरबत है वो ठंडे अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर हमने शरबत को अच्छे से घोल लिया है और देख सकते हैं कि ये जो शरबत है बिल्कुल अच्छे से ठीक है। तो अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। अगर आपको चीनी नहीं पसंद है तो आप अवॉइड कर दीजिएगा, अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप अपने मन पसंद इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 बड़े चम्मच चीनी ऐड किया है और उसे हम अच्छे से घोल लेंगे। अगर आपको इसमें काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर पसंद है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने चीनी को अच्छे से घोल लिया है, उसके बाद इसे हम सर्व करेंगे। तो सर्व करने के लिए मैंने 2 गिलास रखा है और उसमें हम बेल के शरबत को डालेंगे और आप इसके ऊपर से भुना हुआ जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। तो बच्चे लोग को पसंद था इसलिए हमने उसमें भुना हुआ जीरा पाउडर बाद में ऐड किया था। तो आप लोग भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और जो चैनल में न्यू विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फैमिली मेंबर दोस्तों में शेयर कीजिए, बेल आइकन का घंटी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। We'll be right back.